और सुखदेव सिंह गोगामेड़े की पत्नी सपना ने जानकारी दी है कि कपड़ा कारोबारी और सुखदेव के परिचित नवीन शेखावत हत्या के दौरान मौके पर मौजूद थे। हत्या से पहले नवीन शेखावत ने सुखदेव से किसी की फोन पर भी बातचीत करवाई थी। सुखदेव जी तो यहाँ जो है वो बैठे थे, मेरे पति, वो जो एक और आया था जिसकी डेथ हो गई थी वो यहाँ बैठा था, वो दोनों यहाँ बैठे थे। तो जो शूटर थे वो दोनों यहाँ थे, जो एक साथ में आया था वो यहाँ था, नवीन शेखावत। हाँ, मैं नाम नहीं जानती। वो क्या जानते थे, पति की जान पहचान थी? हाँ, उनके साथ जान पहचान थी। वो 10 दिन पहले लगभग आके गया है वो यहाँ, उनसे मिलके गए हैं। सिर्फ वो अकेला ही आया था, उस टाइम शूटर नहीं आए थे। तो वो वहाँ बैठे थे, तो उस बंदे ने इनको फोन पे बात करवाई थी किसी से, मतलब कि जमीनी विवाद को लेके था, क्या था जमीन को लेके मैटर कुछ उनको किसी से बात करवाई। तो सर मैं ऊपर थी तो मेरे को वॉइस सुनेगी नहीं, क्यों कैमरे में तो आवाज सुनती नहीं है। मैंने इतना ही देखा था कि वो फोन दे रहा है, फोन देते ही मैं मेरे कमरे में चली गई थी। तो देखिये, जिस तरीके से मर्डर किया गया उसके बाद जो है लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये है कि उन शूटर्स को पकड़ा जाए। और यही वजह है कि देखिए अब जो है रेवाड़ी से लेकर गाजियाबाद से लेकर पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, हर जगह जो है पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सुखदेव सिंह की पत्नी जिस सुरक्षा का लगातार जिक्र कर रही है, जो आप सुन भी रहे थे, उस सुरक्षा के बावजूद शूटर सुखदेव तक कैसे पहुंच गए और उनकी हत्या करने में कामयाब कैसे हो गए, आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गोगामेड़ी से मिलने के लिए अगर कोई मिलने आता तो काफ़ी सुरक्षा थी, न केवल गार्ड रहते थे, इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम लगा रखा था। ये गेट है, देखिए कि यहाँ गेट पे ये बायोमेट्रिक सिस्टम है, यानी कि इस पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर से ही खुल पाता। ये बताएं ये कैसे खुलता था ये सर? एक तो इसकी मतलब कि चुंबक की तरह एक चाबी थी, वो पता नहीं अभी कहाँ खो गई उस दिन जो हुआ भगदड़, उसमें नहीं तो ये इनके फिंगर से खुलता था, जिसका भी फिंगर लगा हुआ था, नहीं तो उस चाबी से ही खुलता था। फिंगर ऐसे तय थे हर किसी का फिंगर या किस किस का फिंगर था जिससे खुलता था ये? नहीं, वो तो उन लोगों का लगवाया हुआ ही था, जैसे गनमैन का, इनका ही था। हाँ, इनका था। और एक दो चाबी थी हमारे पास जो हम ऐसे ही यहाँ लगाते थे, ऐसे लगाते ही वो खुल जाते। क्योंकि यहाँ के बाद में ये उनका ऑफिस था जहाँ मिलते थे, ये राष्ट्रीय करनी से ना ये लिखा हुआ था, यानी कि पहले बायोमेट्रिक सिस्टम से यहाँ से गुजरना होता था, फिर उसके बाद में यहाँ पर। तो काफ़ी कड़ी सुरक्षा थी। ये देखिए कि ये वो जगह थी जहाँ पर वो अक्सर बैठा करते थे, ये यहाँ पर ये देखिए कि ये मेन रूम था उनका, मीटिंग रूम, जहाँ से वो मिलते थे।